वेलो वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू आई होप माय ऑडियो एंड वीडियो इज़ विजुअल। थोड़ी सेटिंग्स न्यू हैं तो एक बार प्लीज़ कन्फर्म कर दीजिए दैट माय वीडियो इज़ विजुअल एंड माय ऑडियो इज ओके इसके अलावा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू रजत एंड सतीश आई कैन रीडियो कमेंट्स तो जब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि ये हमारा डेली करेंट अफेयर शो है जो कि अब से डेली स्टार्ट Uh, हो चुका है मंडे टू सैटरडे होगा मंडे टू फ्राई सैटरडे आपकी आठ बजे क्लासेस चलेंगी और ग्यारह बजे आपका एक और सेशन होगा uh, जो कि आपका uh, क्या कहते हैं वीकली सेशन होगा इसके uh, अलावा अलावा थैंक यू सो मच सतीश ठीक है uh, काफ़ी दिन के बाद एज आई सेड कि आई एल बी बैक सो आई एम बैक अगेन तो आप बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है और इससे पहले कि हम अपनी क्लास ज्वाइन करें अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं हमारे चैनल का नाम अम्बेश बाबा है अगर आपने अभी तक भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो लेट्स स्टार्ट आ सेशन जैसा कि आप जानते हैं आज ट्वेंटी दिसंबर है तो चलिए देखते हैं आज क्या है तो यूजुअली हमारे सेशन में हम होमवर्क uh, के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बट वेरी सून विल स्टार्ट आ सेशन विद द होमवर्क क्वेश्चन तो आज पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है तो क्वेश्चन पढ़िए और uh, मुझे आंसर दीजिए यू नो द ड्रिल आई एल रीड आउट क्वेश्चन फॉर यू इन बोथ द लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश एंड वट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कमेंट मी कि क्या आंसर है और मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ द राइट आंसर एंड देन विल डिस्कस द क्वेश्चन चलो जी क्वेश्चन आ गया प्रशांत गुड मॉर्निंग चलो जी देखिए क्या है क्वेश्चन विथ स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च चलो मोबाइल एप्लीकेशन एंड चलो स्मार्ट कार्ड फॉर कन्वीनियंट बस ट्रैवल सुविधाजनक बस यात्रा के लिए किस राज्य सरकार ने चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है गुजरात उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश ठीक है तो आपको मुझे बताना है इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या है तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कुछ हमारे जो ऑप्शंस होते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं तो हमारे ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं गुजरात उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश काफ़ी लोग के आंसर्स आ चुके हैं अगर हम बात करें किसकी महाराष्ट्र की यू ऑल नो उद्धव ठाकरे हैं उद्धव ठाकरे उद्ध हैं यहाँ पे कुछ डैम्स की बात करें तो यहाँ पे एक फेमस डैम है जो कि क्या है आपका कोयना डैम जो कि किस पे है कोयना रिवर पे है बिल्कुल ठीक है इसके अलावा एक और डैम है यहाँ पे जाया का वाड़ी जाया वाड़ी डैम ये कौन से रिवर पे है ये गोदावरी रिवर पे है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है इसके अलावा एक डैम और है यहाँ पे ईसापुर डैम जो कि पेनगंगा पेनगंगा रिवर पे है ठीक है इसके अलावा एक डैम और बात करेंगे एक डैम की बात हम और करेंगे और वो आपका डैम कौन सा है वरना डैम ठीक है ऑब्वियसली वरना रिवर के ऊपर होगा कोल्लापुर डिस्ट्रिक्ट में है और ये जो ईसापुर डैम है ये आपकी पेंच रिवर जैसा मैंने आपको बताया नागपुर डिस्ट्रिक्ट में है ठीक है इसके अलावा एक और डैम है यहाँ पे भत्सा डैम ठीक है जो कि आपका शाहपुर डिस्ट्रिक्ट में है और भत्सा रिवर के ऊपर है ठीक है आइए आते हैं हमारे अगले ऑप्शन की तरफ अगले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं ठीक है प्रदेश की अगर हम बात करें तो फेमस डैम गांधी सागर डैम जो कि किसके ऊपर है चंबल रिवर के ऊपर है मंदसौर मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है ये आपका ठीक है इसके अलावा अगर हम इसी की बात करें तो तावा रिजर्वर है यहां पे ठीक है जो कि कहाँ पे है आपका तावा रिजर्वर है आपका तावा रिजर्वायर के ऊपर ठीक है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है ये आपका पड़ता है कौन सा तावा रिजर्वायर ठीक है इसके अलावा एक और डैम है यहाँ पे इंदिरा सागर डैम जो कि किसके ऊपर है नर्मदा रिवर के ऊपर पड़ता है नर्मदा नगर में ठीक है आइए इस क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं तो चलिए जी इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करें right द राइट आंसर इज डी वाला महाराष्ट्र काफी लोगों ने लगाया है आई सपोज ठीक है हाँ जी काफ़ी लोगों ने लगाया था चलिए देख लेते इसके बारे में बात कर लेते हैं इसकी अगर हम बात करें तो यू ऑल नो महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड किस लिए किया है फॉर कन्वीनियंट बस ट्रैवल ठीक है बस ट्रैवल के लिए किया है किसने लॉन्च किया है आदित्य ठाकरे जो कि बेटे हैं वे सन ऑफ द चीफ मिनिस्टर काफ़ी न्यूज़ में चल रहे थे ठीक है किस लिए किया है डिजिटल और एडवांस परचेज ऑफ ब्रिहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बस टिकट्स के लिए ठीक है तो इससे ऑब्वियसली जो कस्टमर्स होंगे वो बस टिकट्स को ऑनलाइन परचेज कर, uh, कर सकेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी अगर हम बात करें तो जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एटी फाइव करोड़स का है और ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसके मेंटेनेंस के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है सिक्स ईयर्स के लिए दिया गया है ठीक है इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो Uh, उन्होंने जो हमारे आदित्य ठाकरे उन्होंने एन सी स्मार्ट कार्ड भी लॉन्च किया है uh, किस लिए जो पैसेंजर फेयर स्कीम्स हैं उनके लिए जो कि प्रोवाइड करेगा टेन ट्रिप्स एट रुपीज सेवेंटी और इसका एक दूसरा नाम भी दिया गया है जो कि क्या दिया गया है फ्लेक्सी फेयर ठीक है चलेगा इस आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हाँ जी तो हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है एंड यू नो द ड्रिल क्वेश्चन पढ़ना है आंसर देना है uh, ओके सतीश ट्राई शिवम गुड मॉर्निंग लॉन्ग टाइम चलिए जी देखें जरा क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे हमारी तो हमारा स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है अगला वो कुछ इस तरह से है विथ स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च द एम्बिश फ्री स्मार्टफोन योजना ऑन ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ठीक है कौन सी राज्य सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को महत्वाकांक्षी ठीक है महत्वाकांक्षी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू करेगी ठीक है तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है क्या आपका तमिलनाडु कर्नाटक गुजरात पंजाब या उत्तर प्रदेश तो काफ़ी लोगों के आंसर्स भी आए हैं ज़रा देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में भी हम बात कर लेते हैं कुछ ऑप्शन हमें दे रखे हैं और हमारे ऑप्शन्स में अगर हम बात करें किसकी तमिलनाडु की तमिल ठीक है तो क्योंकि हम डैम की बात कर रहे थे माफ़ कीजिएगा तमिलनाडु क्योंकि हम डैम की बात कर रहे थे तो यहाँ पे एक फेमस डैम है मेटूर डैम ठीक है जो कि कावेरी रिवर के ऊपर है मेटूर मेटूर जो कि सलीम डिस्ट्रिक्ट में है ठीक है इसके अलावा एक डैम और है यहाँ पे बड़ा फेमस सोलेर सोलेर डैम एस ओ है ठीक है सोलेर डैम है ये कोयम्बूर डिस्ट्रिक्ट में है इसके अलावा एक डैम और है भवानी सागर ठीक है भवानी सागर डैम जो कि कौन से रिवर पे है नाम से ही पता चल रहा है भवानी रिवर पे है ठीक है आगे बढ़ेंगे हम इसी क्वेश्चन में अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका उत्तर प्रदेश ठीक है हमारे कुछ और ऑप्शंस हैं आप चाहें तो हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं जैसे कि पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में है रंजीत सागर डैम जो कि रावी रिवर के ऊपर है आप जानते हैं रावी रिवर जम्मू और कश्मीर ठीक है जम्मू और कश्मीर और आपका पंजाब के बीच में ये जो डैम है आपका बना हुआ है ठीक है इसके अलावा हम इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की अगर हम डैम्स की बात करें ठीक है तो उत्तर प्रदेश अगर आप जानते हो तो वेरी फेमस डैम रिहंद डैम या इसे एक और नाम दिया है क्या है नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम ये रिहंद रिवर के ऊपर है नाम से ही पता चल रहा है पिपरी पता है आपको सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है आपका ठीक है इसके अलावा वन मोर फेमस डैम माता टीला डैम जो कि बेतवा नदी के ऊपर है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है एक और डैम की बात करेंगे हम राजघाट डैम ठीक है राजघाट डैम आपकी अगर हम बात करें इसकी ठीक है तो ये भी ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है आपका और बेतवा नदी के ऊपर है ये भी ठीक है चलिए जी आंसर मैंने आपको बता दिया है आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं ठीक है तो जैसा कि मैंने कहा अभी आपको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यू ऑल नो सीएम योगी जी बहुत न्यूज़ में चल रहे हैं चुनाव है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो ही हैज़ लॉन्च दिस फ्री स्मार्ट योजना ऑन डिसम्बर ट्वेंटी फिफ्थ विच इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम अटल बिहारी वाजपेयी एंड वन मोर थिंग ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज गवेंस डे ठीक है गवर्नेंस डे के रूप में भी इसे मनाया जाता है तो अंडर दिस स्कीम व्हाट विल हैपन द सीएम विल डिस्ट्रीब्यूट स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स टू द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स एंड अब ठीक है तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको टैबलेट्स वगैरह बांटे जाएंगे और अराउंड सिक्सटी थाउजेंड स्मार्टफोन्स एंड फोर्टी थाउजेंड टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और अराउंड थर्टी एट जो यूथ्स हैं उन्होंने इसमें जो डिजी शक्ति पोर्टल है यहाँ पे रजिस्टर भी कर दिया है लखनऊ इज द कैपिटल गवर्नर इज आनंदी बहन पटेल ठीक है चलो शिवम एम गोड चलो लेट्स मूव हेड ठीक है तो ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बता दी हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है ज़रा क्वेश्चन पढ़िए बीच बीच में आप लोगों को uh, थोड़ा सा आप लोग रिफ्रेश भी करते रहिएगा सो दैट पीछे ना हो जाए सेशन ठीक है चलिए देखें तो जरा hmm. अगला क्वेश्चन आ गया है क्या है नीति आयोग हैज साइंड ठीक है नीति आयोग हैज साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद द यूनाइटेड नेशंस फूड प्रोग्राम फॉर मेन स्ट्रीमिंग ऑफ मिलेट्स एंड सपोर्टिंग इंडिया इन टेकिंग लीड ग्लोबली इन नॉलेज एक्सचेंज यूजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ डैश एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है तो आपको मुझे बताना है इस क्वेश्चन का आंसर हिंदी में भी पढ़ देते हैं जरा आप लोगों के लिए हम तो हिंदी में है नीति आयोग ने वर्ष डैश को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में अवसर का उपयोग करते हुए बाजरा को मुख्य धारा में लाने और ज्ञान के आदान प्रदान में विश्व स्तर पर नेतृत्व करने में भारत का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक आशय के व्यक्तित्व पर हस्ताक्षर किए हैं ट्वेंटी दो हज़ार बाईस आपको मुझे बताना है एयर 2023 2024 या 2025 uh, चलिए पच्चीस देखते हैं ज़रा uh, इस क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है तो आप जानते हैं एयर ऑफ मिलिट्स घोषित किया गया है Uh, कौन से ईयर को और इंडिया ने एक बहुत बड़ा योगदान किया है uh, इस ईयर uh, ऑफ मिलेट को घोषित करने में चलो देखते हैं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है प्रशांत शिवम रजत आंसर्स आ गए हैं आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या सो द राइट आंसर इज़ बी वाला बिल्कुल सही सो ऑल दोज पीपल जिन्होंने 2023 लगाया है आंसर इज राइट ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है चलो भाई इसके बारे में बात कर लेते हैं तो नीति आयोग एंड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दे हैव साइन दिस इसको साइन किया है इन्होंने uh, इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो ये जो आपका है ये सपोर्ट करेगा इंडिया को लीड करने में ग्लोबली नॉलेज एक्सचेंज करने में यूजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ 2023 ट्वेंटी एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिट्स ठीक है एंड दिस विल ऑल्सो स्ट्रेंथन क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर फॉर फॉर इन्हांस्ड फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इन इंडिया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं uh, नीति आयोग की अगर हम बात करें तो आप लोग जानते हैं वॉट इज द फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है हम कोशिश करते हैं कुछ थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देते रहें तो द फुलॉम इज़ ना नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एंड वॉट इज़ द्रांसफर वॉट इज़ द फॉर्मेशन एयर फर्स्ट जनवरी 2015 ठीक है एंड आप जानते हैं इससे पहले आपके फाइव ईयर प्लान हुआ करते थे ठीक है एंड वॉट इज द ऑब्जेक्टिव नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव क्या है फॉस्टर इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया भारत की राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी और भागीदारी को बढ़ावा देना दिस ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द हेड क्वार्टर इज इन न्यू डेली चेयरपर्सन इज ऑलवेज योर प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेजेंटली अमिताभ कांत इज सी सीईओ ऑफ नीति आयोग ठीक है चलो लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़िए आंसर दीजिए जी क्वेश्चन क्या है RBI has आई which bank as बैंक bank एजेंसी बैंक टू अंडरटेक बैंकिंग बिजनेस ऑफ सेंट्रल स्टेट बी आई ने केंद्र राज्य सरकारों के बैंकिंग व्यवसाय को शुरू करने के लिए किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है ठीक है तो इसमें आप देख सकते हैं डी बी एस बैंक दिया है सी एस बी बैंक दे रखा है देन नेक्स्ट बैंक इज एच डी एफ सी बैंक आईसीआईसीआई बैंक एक्सेस बैंक ठीक है तो आपको मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आईसीआईसीआई बैंक काफी बार बात हो चुकी है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई सी आई सी आई बैंक इट्स इंडस्ट्रियल ठीक है इट्स इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ठीक है एंड इफ़ यू टॉक अबाउट आई सी आई सी आई द सी ई इज़ संदीप बख्शी बहुत फेमस ऑलवेज यू ऑल नो ठीक है दो हज़ार अठारह में ही वॉज अपॉइंटेड ठीक है आगे बढ़ रहे हैं आई सी आई सी आई बैंक की बात कर रहे हैं uh, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बैंक की तरफ आते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट बैंक है कौन सा बैंक लेते हैं चलो भाई एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं एक्सिस uh, बैंक सी ई ओ इज़ अमिताभ चौधरी जनवरी में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है दो हज़ार उन्नीस अभी रीअपॉइंटमेंट भी हुआ है हेड क्वार्टर इज इन मुंबई फाउंडेशन ईयर है थ्री डिसम्बर नाइनटीन नाइन्टी थ्री अहमदाबाद ठीक है इसके अलावा अगर हम एच डी एफ सी बैंक की बात करें तो इंडिया का ये लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है और अगर हम बात करें वर्ल्ड में तो इट इज़ द टेंथ लार्जेस्ट बैंक अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रैल में uh, ये डेटा आया था आपका ठीक है इसके अलावा एच बैंक की बात करें तो एच बैंक का जो फुल फॉर्म है वो क्या है कभी हमने इसके बारे में बात नहीं की है द फुल फॉर्म इज हाउसिंग डेवलपमेंट ठीक है हाउसिंग डेवलपमेंट फिनेंस कॉरपोरेशन ठीक है फिनेंस कॉरपोरेशन इज द फुल फॉर्म एच डी एफ सी बैंक शशिधर शशिधर जगदीशन इज डी सी ई ओ एंड हेडक्वार्टर ऑब्वियसली यू नो इज़ इन मुंबई अगर हम डी एस बैंक की बात करें हमारा जो अगला बैंक है uh, कहाँ गया हाँ जी डी एस बैंक की बात करें तो डी बी एस बैंक डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर है हेडक्वार्टर ऑब्वियसली सिंगापुर होगा सी ई ओ का नाम है पीयूष गुप्ता ठीक है चलो जी आंसर ले लेते हैं वॉट इज द राइट आंसर द राइट आंसर इज बी बी वाला सी एस बी ठीक है आओ देखें क्या चीज है ये चलो देखो जरा क्या है तो आरबीआई इम्पैनल सीएसबी बैंक सीएसबी बैंक एज एजेंसी बैंक टू अंडरटेक बैंकिंग बिजनेस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अभी हम बात करेंगे वॉट इज एन एजेंसी बैंक ठीक है तो इस अपॉइंटमेंट से क्या हुआ है विद दिस अपॉइंटमेंट सी एस बी बैंक विल अंडरटेक जनरल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अंडर द गाइडलाइन सेट बाय आर बी आई तो आपका जो केंद्र है और जो राज्य सरकार है उनके जो बैंकिंग बिजनेस है उनको अंडरटेक कर सकेगा सीएसबी बैंक ठीक है तो इट विल वर्क विद डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फॉर बिजनेस किस तरह के बिजनेसिस जरा वो भी देख लेते हैं लाइक टैक्स कलेक्शन पेंशन पेमेंट कलेक्शन ऑफ स्टाम्प ड्यूटी एक्सेट्रा सो रिसेंटली जो बैंक हैं विच हैज बीन इम्पार्ड बाय आर बी आई एज एजेंसी बैंक जरा उनके नाम देख लेते हैं तो वी हैव साउथ इंडियन बैंक ठीक है हमारे पास साउथ इंडियन बैंक है देन वी हैव कर्नाटक बैंक फिर है आपका डी एस बी बैंक देन वी हैव आर बी एल बैंक धनलक्ष्मी बैंक इंडसलैंड बैंक एंड बंधन बैंक ठीक है चलो जी आगे बढ़ते हैं अच्छा एक चीज और इसमें मैं आपको बता दूं अभी मैंने आपसे बोला ना एजेंसी बैंक तो जो एजेंट बैंक होता है या जो एजेंसी बैंक होता है आपका ये परफॉर्म करता है सर्विसेज इन कैपेसिटी ऑन बिहाफ ऑफ एन एंटिटी ठीक है हाँ जी कहा गया <coughs> ऑफ एन एंटिटी तो यहां पे किसके बिहाफ पे ये परफॉर्म करेगा एजेंसी बैंक के फंक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट बैंक ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़िए आंसर दीजिए चलो जी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे तो जरा क्वेश्चन पढ़िए आंसर दीजिए जरा एक बार रिफ्रेश कर लें स्क्रीन को सो दैट लाइव कमेंट्स हम देख सकें हाँ जी क्या है विच बैंक है साइंड अ को लेंडिंग एग्रीमेंट विद यू ग्रो कैपिटल टू प्रोवाइड आई एन आर वन थाउजेंड करोड़ फॉर्मल क्रेडिट टू अंडर सर्व एम एस एम ईज एट अफोर्डेबल रेट किस बैंक ने कम सेवा वाले एमएसएमई को सस्ती दरों पर एक हजार करोड़ रुपए का औपचारिक जो ऋण है प्रदान करने के लिए यू ग्रो कैपिटल के साथ एक सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ठीक है थीके? तो आइए जरा इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं ठीक है चलो तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन में है इंडियन ओवरसीज बैंक है लैंड बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा है स्टेट बैंक ऑफ इंडियन है ठीक है नहीं बेटा आज सारे क्वेश्चंस बैंकिंग के नहीं हैं हो सकता है जस्ट अ को ठीक है चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की बात करें तो अगर हम एस की बात करें ठीक है कहाँ गया भैया एस बी दिनेश कुमार खार यू ऑल नो ठीक है अच्छा रिसेंटली आपको जानते ही होंगे एस के जो पूर्व चेयरमैन थे व्हाट वाज हिज नेम रजनीश कुमार ठीक है इन्होंने अभी रिसेंटली भारत पे ज्वाइन किया है ठीक है और ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं किसमें है मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ एच एशिया में एच एस बी सी एशिया में ठीक है इसी क्वेश्चन की हम बात करें आ, तो 1955 फिफ्टी फाइव इज द फाउंडेशन ईयर फर्स्ट जुलाई नाइनटीन फिफ्टी फाइव किसका हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है आ, कौन सा ले ले भाई आओ ओवरसीज बैंक लेते हैं तो इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो मातम वेंकटा राव रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ था इनका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ सीई हेड क्वार्टर इज इन मुंबई एंड द फाउंडेशन ईयर इज थर्टी फर्स्ट दिसंबर नाइनटीन ठीक है चलिए आगे बढ़ रहे हैं uh, <coughs> माफ करना uh, मैं शायद इंडियन ओवरसीज बैंक बोली हूं दिस इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ठीक है मतम वेंकट राव ठीक है और ये मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है चलिए आगे बढ़ रहे हैं इसी क्वेश्चन में uh, आगे बात कर लेते हैं लैंड बैंक के बारे में ठीक है इन दिस लैंड बैंक का हेडक्वार्टर ज्यादातर बैंक से हेडक्वार्टर यू ऑल नो मुंबई में ही होते हैं एंड द सीईओ इज सुमंत कथ पालिया ठीक है सुमंत कथ पालिया ठीक है हिंदुजा ग्रुप का है ये और इसका जो फाउंडेशन ईयर है वो नाइनटीन है अगेन मुंबई इज हेड क्वार्टर ठीक है आओ आंसर तो देखें जरा इसका क्या है आंसर क्या है जी द राइट आंसर इज ए वाला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया काफी लोगों ने सेंट्रल बैंक भी लगाया था चलो लेट्स मूव अड तो सेंट्रल बैंक की बात करें तो इट हैज साइन को लेंडिंग एग्रीमेंट विद यू एग्रो कैपिटल एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज लेंडिंग फिनटेक प्लेटफॉर्म किस लिए टू प्रोवाइड आईएनआर 1000 करोड़ फॉर्मल क्रेडिट टू अंडर सर्व्ड एमएसई एम एस एम ईज एट अफोर्डेबल रेट्स अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट कैटेगरीज एट यू ग्रो कैपिटल ठीक है तो अंडर दिस पार्टनरशिप वॉट इज द एम इज टू डिस्बर्स टू इतना थाउजेंड टू यू ग्रो वेरिड प्रोग्राम्स जो इसके प्रोग्राम्स हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स प्रथम संजीवनी साथी ग्रो एमएसएमई एंड मशीनरी फाइनेंसिंग तो इनको ये डिसबर्स करेगा इतना करोड़ अप्रॉक्सीमेटली ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गुड मॉर्निंग प्रदीप चलो जी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं काफी लोगों को पता भी नहीं है क्लासेस के बारे में बिकॉज सडनली ज्वाइन किया है मैंने ठीक है बट आई वॉज सपोज टू ज्वाइन ठीक है चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं एक्सिस बैंक हैज अनाउंस अप्रूवल टू रीक्लासिफाई विथ इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम प्रमोटर कैटेगरी टू पब्लिक कैटेगरी शेयर होल्डर इन द बैंक एक्सिस बैंक ने बैंक में किस बीमा कंपनी को प्रमोटर श्रेणी से सार्वजनिक श्रेणी के शेयर धारक के रूप में पुनर्वर्गित करने की घोषणा की है एस बी आई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी रेलीगेयर इंश्योरेंस कंपनी बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी भारतीय एक्साज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ठीक है चलिए अच्छा बैंकिंग क्वेश्चंस हैं कोई बात नहीं मैंने कहा ना जस्ट को इंसुरंस आज बैंकिंग क्वेश्चंस हैं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ बैंकिंग क्वेश्चन को लेंगे ठीक है चलो इस क्वेश्चन का आंसर ले लें एक्सिस बैंक के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं अमिताभ चौधरी एंड द राइट आंसर इज कौन सा वाला बी वाला ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ठीक है चलो देखें जरा क्या है ये आओ देखें तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने कैटेगराइज किया कैटेगराइज एज पब्लिक शेयर होल्डर कहाँ किस में एक्सिस बैंक में तो एक्सिस बैंक ने रिसेंटली इट हैज़ मेड दिस अनाउंसमेंट ऑफ द अप्रूवल टू री क्लासिफाई ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फ्रॉम प्रोमोटर कैटेगरी तो अंटिल नाउ इट वॉज अंडर प्रोमोटर कैटेगरी एंड नाउ इट हैज़ बिन प्रोमोटेड पब्लिक कैटेगरी शेयर होल्डर इन द बैंक तो एट प्रेजेंट ओ आई सी एल कितना होल्ड कर रहा है जीरो पॉइंट वन सिक्स परसेंट स्टेक इन एक्सिस बैंक And currently, BSC and NSC, Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange, they have also given approval for reclassification of new oriental insurance company to public category from promoter category. Okay? Chalo. Next question. आओ जी देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देना है हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है विप्रो है ट्रांसफॉर्मेशनल साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग प्रोवाइडर विप्रो में परिवर्तनकारी साइबर सुरक्षा परामर्श प्रदाता एडिगेल का अधिग्रहण करने के लिए कितने मूल्य के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तो आपको मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है ठीक है तो देखें जरा हाँ जी विप्रो की बात हो रही है प्रेम जी इसके हेड हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे पहले हम आंसर ले लेते हैं सो द राइट आंसर इज द राइट आंसर इज बी वाला कितना मिलियन है देख लो जरा 230 मिलियन है तो ये जो अग्रीमेंट है टू थर्टी मिलियन का है इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं सो विप्रो हैज साइन दिस टू टू हुम इज इज़ इट अ ट्रांसफॉर्मेशनल साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग प्रोवाइडर इन हाउ मच टू थर्टी मिलियन ठीक है सो टुगेदर दे बोथ विल डेवलप एन इंटीग्रेटेड सूट दैट विल हेल्प एंटरप्राइजेज इनहस बोर्ड रूम गवर्नेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी रिस्क इन्वेस्टमेंट इन रोबर्स साइबर स्ट्रेटजीज एंड रीड द वैल्यू एंड प्रैक्टिस सिक्योरिटी इन एक्शन ऑब्वियसली ऑल नो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा थ्रेट है तो उसको उसको देखते हुए ये अग्रीमेंट किया गया है एंड इफ़ यू टॉक अबाउट एडिगल इट वॉज फाउंडेड इन दर टू थाउजेंड एंड वन इट इज एडिगल इज रिक्नाइज बाई सिक्योरिटी एंड रिस्क लीडर्स फॉर इट्स बिजनेस अलाइन साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटी

Next question. चलो जी क्वेश्चन पढ़ो आंसर दो बैंक का क्वेश्चन नहीं है देखो जरा टू चाइना जी जिंग पिंग है ना चलो जी अब तो ओमिक्रोन आ गया है ना निम्नलिखित में से किस चीन में किसे चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है कृष्ण गोपाल कृष्णन संदीप कटारिया प्रदीप कुमार रावत अशोक भूषण या बी सी पटनायक ठीक है रजत का आंसर आ गया है चलो जी बाकी सब लोग बातचीत कर रहे हैं इस क्वेश्चन का हम आंसर लेंगे चाइना की बात हो रही है चाइना कैपिटल इज बीजिंग यू ऑल नो एंड अभी विंटर ओलंपिक्स टू थाउजेंड में यहाँ पे होने हैं ठीक है ठीके? इसके बारे में बात करेंगे आई थिंक क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड ठीक है चलो देखते हैं ज़रा इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या है सो द राइट आंसर इज सी वाला अच्छा जी प्रदीप कुमार रावत हैज़ बिन अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट नेक्स टू चाइना चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं आओ देखते हैं तो प्रदीप कुमार रावत जो है न्यू एम्बेसिडर टू चाइना है ही इज अ सीनियर डिप्लोमैट 1999 बैच आईएफएस ऑफिसर है एंड uh, अगर हम बात करें इनकी तो ही इज करेंटली सर्विंग इंडियाज एम्बेसिडर टू नीदरलैंड ठीक है और ही विल रिप्लेस होम विक्रम मिस्री ठीक है जिनका थ्री ईयर जो टेन्योर है दिस मंथ कंप्लीट हो गया है ठीक है विक्रम मिश्री को ये रिप्लेस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज अपॉइंटेड हुम द शीफ डे मिशन ऑफ द कंट्रीज कंटेंजेंट फॉर द अपकमिंग 2022 विंटर ओलंपिक्स इन बीजिंग एक कंट्री को बैन किया गया है ना इसे पार्टिसिपेट करने से लिए कौन सी कंट्री को बताएगा मुझे चलो देखें भारतीय ओलंपिक संघ ने बीजिंग में आगामी 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए देश के दल के शेफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया है जगजीत पवाड़िया के नागराज नायडू हरजिंदर सिंह अनुजय सिंह अनुजा सारंगी ठीक है तो जरा बताओ मुझे इनका नाम काफी दिन के बाद मिल रहे हैं हम लोग है ना चलिए जी देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है सो द राइट आंसर है शिवम का आंसर आ गया है नॉरीन रजत आंसर कर रहे हैं सो द राइट आंसर इज सी वाला बिल्कुल सही हरजिंदर सिंह इज द राइट आंसर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में भी हम बात करेंगे ठीक है हाँ जी साउथ कोरिया है नॉर्थ कोरिया इट्स नॉर्थ कोरिया हाँ नॉर्थ कोरिया ही है ठीक है उसने अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भेजा नहीं था इस वजह से इट हैज बीन बॉर्न ठीक है चलो आई ओ ए की बात करें तो इट हैज अपॉइंटेड आइस हॉकी एसोसिएशन इंडिया के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वॉट इज इज नेम हरजिंदर सिंह एस शेफ डे मिशन ऑफ कंट्रीज कंटेंजेंट फॉर द अपकमिंग ट्वेंटी ट्वेंटी टू विंटर ओलंपिक्स इन बीजिंग ठीक है और ये आ, अगर हम बात करें आ, इसकी तो सिंह वाज़ द शेफ डे मिशन इंडियन कंटेंजेंट थे कब थे ट्वेंटी थर्ड जो विंटर ओलंपिक गेम्स हुए थे 2018 में पियंगचांग साउथ कोरिया में ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो हरजिंदर सिंह एज यू कैन सी हम बात करना चाह रहे थे किसकी बात करना चाह रहे थे हम बात करना चाह रहे थे आई की तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट इज नारायण रामचंद्रन द फाउंडेशन ईयर इज़ 1927. New Delhi न्यू the इज़ and हेड क्वार्टर एंड सेक्रेटरी जनरल इज राजीव मेहता इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं इसलिए मैं थोड़ा बहुत आ, बता देती हूँ बाकी अगर हम 2020 ओलंपिक्स की बात करें टोक्यो में हुआ था और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह सी कैटेगरीज थी और ये विनर्स थे तो बाद में पॉज करके इसको पढ़ लेना बाकी मैं पीडीएफ में मिल जाएगा आपको ये ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है विच यूनिवर्सिटी हैज द डिजिटल इनोवेशन ऑफ द एयर अवार्ड इन द प्रस्टीजियस टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी प्रतिष्ठित किस विश्वविद्यालय ने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द एयर अवार्ड जीता है एम यूनिवर्सिटी के आर मंगलम यूनिवर्सिटी जीडी डी गोयका यूनिवर्सिटी एस आर एम यूनिवर्सिटी ओ पी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ठीक है चलो जी देखें ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है तो रजत ने आई सपोज आंसर कर दिया है बीच बीच में सेशन को ज़रूर बैक करके लाइव कर लिया करिए कई बार कमेंट्स पीछे हो जाते हैं या सेशन पीछे हो जाता है आइए देखते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं ठीक है ओके सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इसके बारे में हम बात करेंगे राइट आंसर इज ई वाला वॉट इज द राइट आंसर ई वाला ओ पी जनदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ठीक है आओ जरा देख लें तो अगर हम इसकी बात करें तो ओ पी जंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी इट हेज वॉन वॉट डिजिटल इनोवेशन ऑफ द एयर अवार्ड इन प्रेस्टिजियस टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी वन फॉर वॉट फॉर क्रिएटिंग अ फ्री क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन टू हेल्प स्कूल एंड यूनिवर्सिटी मैनेज डेटा ठीक है एंड uh, अगर हम uh, इसी की बात करें तो यूनिवर्सिटी वॉज अवार अंडर ए टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल इनोवेशन ऑफ द एयर कैटेगरी फॉर इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क इन द लास्ट टू ईयर्स ठीक है और अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो एक और इंस्टीट्यूशन है कलिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इट हैज़ बैड प्राइज फॉर वॉट एशियाज़ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट टीम ऑफ द एयर कैटेगरी एट एशिया अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी वन चलो जी आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हां जी इंडियन एयरफोर्स हैज डिप्लॉय द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द एस फोर हंड्रेड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इन द वेस्टर्न पंजाब सेक्टर द एस फोर हंड्रेड एयर डिफेंस सिस्टम वॉज कंट्रैक्टेड फॉर बाय इंडिया फ्रॉम डैश इन डील वर्थ अराउंड थर्टी फाइव थाउजेंड करोड़ भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी पंजाब सेक्टर में एस चार सौ वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात किया है एस फोर हंड्रेड वायु रक्षा प्रणाली को भारत द्वारा डैश से लगभग पैंतीस हजार करोड़ रुपए के सौदे में अनुबंधित किया गया है रशिया यूके जर्मनी फ्रांस इटली ठीक है तो आप जानते हैं हम सारे ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं जरूर हैं धीरे धीरे हम सारे ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे आ, जैसे हम पहले किया करते थे रशिया व्लादिमिर पुतिन आप सभी लोग जानते हैं और अभी यूक्रेन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट में चल रहा है नाटो के साथ अभी इसने एक क्या कहते हैं अग्रीमेंट किया है आ, पीस के लिए नॉर्थ अटलान्टिक टी ट्री ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें थर्टी मेंबर्स हैं और अगर हम इसकी बात करें तो ब्रसल्स ठीक है में इसका हेड क्वार्टर है आओ देखें जरा इंडियन एयरफोर्स और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है सो द राइट आंसर इज ए वाला रशिया इज़ द राइट आंसर ठीक है चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन uh, की बात कर लेते हैं तो इंडियन एयरफोर्स ने अपॉइंट किया है डिप्लॉय uh, किया है एस फोर हंड्रेड एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ पे इन पंजाब सेक्टर सो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रन ऑफ एस फोर हंड्रेड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम वेस्टर्न पंजाब सेक्टर में किया है एंड दिस विल टेक केयर ऑफ एरियल थ्रेट्स फ्राम पाकिस्तान इन चाइना यू ऑल नो पाकिस्तान इन चाइनाज है थ्रेट्स ठीक है तो अगर हम इसकी बात करें तो वी हैव डन दिस डील ऑफ एस फोर हंड्रेड एयर डिफेंस सिस्टम विद रशिया एंड द डील इज ऑफ अराउंड थर्टी फाइव थाउजेंड करोड़ एंड ये फर्स्ट स्क्वाड्रन है हमने फाइव स्क्वाड्रन की डील की है ठीक है एंड फाइव स्क्वाड्रन वुड बी प्रोवाइडेड टू इंडिया फॉर टैक्लिंग एयरथेड्स फ्राम अप टू फोर हंड्रेड किलोमीटर्स ठीक है चलिए जी आगे बढ़ते हैं आई ए एफ इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें सो द हेड क्वार्टर इज इन न्यू डेली फाउंडेशन एयर इज एथ अक्टूबर नाइनटीन थर्टी टू इंडिया हेलीकॉप्टर्स uh, जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के पास है सी एच फोर सेवन ध्रुव चेतक चीता एम आई एट एम आई सेवेंटीन एम आई ट्वेंटी सिक्स एंड प्रेजिडेंट इज़ ऑलवेज द चीफ ऑफ ऑल ऑल थ्री फोर्सेज एयरफोर्स आर्मी एंड आपका नेवी एंड अगर हम uh, बात करें एट प्रेजेंट एयर चीफ मार्शल विक्रम राम चौधरी हैं और uh, अगर सेप्टेम्बर uh, में इन्होंने टेक uh, ओवर किया था किसको आर के एस भदौरिया को ये शायद मैंने ही आप लोगों को बताया था ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट हम थोड़ा बहुत रिविजन भी आने वाले सेशन में करते रहेंगे ठीक है और क्वेश्चन पढ़ लें जरा नेम द शॉर्ट रेंज सर्फिस टू सर्फिस गाइडेड ब्लेलिस्टिक मिसाइल हैज बीन सक्सेसफुली टेस्ट बाय डीआरडीओ फ्रॉम जी अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा ठीक है कम दूरी की सतह से सतह निर्देशित बैलिस्टिक मिसाइल का नाम बताइए जिसका ओडिशा के तट से दूर ए पी अब्दुल कलाम द्वीप से डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है पृथ्वी आकाश प्रलय धनुष या नेत्र ऑल आर इम्पॉर्टेंट मिसाइल्स बात करेंगे अभी हम इसके बारे में रजत का आंसर आ गया है नौरीन का भी आंसर आ गया है शिवम गुम हो गए हैं ठीक है एंड ऑल द अदर पीपल इफ आर वॉचिंग द सेशन आप आंसर्स भी दे सकते हैं ट्राई कर सकते हैं नॉट अ बिग डील लेट्स सी इज द राइट आंसर द राइट आंसर इज सी वाला सो द राइट आंसर इज प्रलय ठीक है प्रलय इसका राइट right आंसर है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं ठीक है आइए लेट्स मूव अहेड सो एज़ आई टोल्ड यू डी आर डी ओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इट हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर शॉर्ट रेंज याद रखना सर्फेस टू सर्फेस सतह से तह मार करने वाली बेलिस्टिक मिसाइल व्हाट इज द नेम ऑफ द मिसाइल प्रलय फ्रॉम वेयर एपीजी अब्दुल कलाम आईलैंड कहाँ हैं उड़ीसा में ये सारे क्वेश्चन बनाते हैं एंड इफ यू टॉक अबाउट प्रलय इट इज अ सॉलिड फ्रूल बैटल फील्ड मिसाइल बेस्ड ऑन पृथ्वी डिफेंस व्हीकल फ्राम इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम डेवलप बाई डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर हम इसकी बात करें शॉर्ट रेंज विच मीन्स वन फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड किलोमीटर रेंज है इसकी एंड uh, जो पेलोड केपेसिटी है वो कितना है फाइव हंड्रेड से वन थाउजेंड के जी क्वेश्चन बनाता है डिपेंडिंग अपॉन द एग्जाम जो आप जिसमें आप बैठ रहे हैं आइए देखते हैं कुछ रिसेंटली जो मिसाइल्स हैं जिन्हें किया गया है इनके बारे में हम बात कर लेते हैं आइए देखते हैं ज़रा कुछ मिसाइल्स के बारे में बात कर लेते हैं तो वी हैव हाँ पृथ्वी टू व्हाट इज द रेंज 350 किलोमीटर ब्रह्मोस 400 किलोमीटर शौर्य 1000 किलोमीटर है प्रनाश टू टू हंड्रेड किलोमीटर के फोर न्यूक्लियर थर्टी फाइव हंड्रेड किलोमीटर निर्भय पंद्रह सौ किलोमीटर आकाश एन जी साठ किलोमीटर अग्नि फाइव पाँच हजार किलोमीटर पिनाका ई आर सत्तर किलोमीटर ठीक है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक सेंध भी कहते हैं मिसाइल टेन किलोमीटर रेंज है अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल हजार से दो हजार किलोमीटर इसकी रेंज है ठीक है चलिए लेट्स मूव अहेड डीआरडीओ की बात करें सो यू ऑल नो डीआरडीओ आर डी ओ द चेयरमैन सतीश रेड्डी हेडक्वार्टर न्यू डेली द एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज नाइनटीन फिफ्टी एट आदि बिल्कुल सही नाइनटीन फिफ्टी एट नेक्स्ट क्वेश्चन बैचलर डैड ओके निम्नलिखित में से किसने अपनी पहली पुस्तक बैचलर डैड का विमोचन किया है तो आपको मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है करण जोहर मनीष मल्होत्रा अपूर्व मेहता तुषार कपूर ऋतिक रोशन तो ऑल आर फेमस सेलिब्रिटीज ठीक है इन्हीं में से किसी की बुक है बात कर लेते हैं आंसर्स भी आ गए हैं एंड द राइट आंसर ऑब्वियसली जो आए हैं वही है सो द राइट आंसर इज यस तुषार कपूर सो विदाउट वेस्टिंग टाइम तुषार कपूर आगे बढ़ते हैं ठीक है so, सो ये इनकी पहली बुक है बहुत एहसान किया इन्होंने अपनी बुक लॉन्च करी एंड uh, उनके बेटे का नाम लक्ष्य कपूर है सेरोगेसी दो तो में ही वॉज बॉर्न एंड ही वॉज द फर्स्ट सिंगल फादर सरोगेसी से जो पेरेंट बने थे आपको काफी फिर सेलिब्रिटीज इवन हिज सिस्टर उन्होंने भी अडॉप्ट किया है सरोगेसी को टू बिकम पेरेंट टू बिकम अ पेरेंट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एवरी ईयर राष्ट्रीय किसान दिवस इज ऑब्जर्वड ऑन डैश तो राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट डे है ट्वेंटी थर्ड डिसमेंबर ट्वेंटी फोर्थ दिसंबर ट्वेंटी फिफ डिस ट्वेंटी सिक्स डिसेंबर ट्वेंटी सेवन डिसम्बर ठीक है डेज वाला मैं आप लोगों को देती हूँ पी डी एफ में ठीक है अभी मेरे पास है नहीं तो जल्दी आ जाएगा तो मैं आपको दे दूंगी अगर हम बात करें ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर मैंने आपको बताया क्रिसमस डे ऑब्वियसली अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थ एनिवर्सरी है ठीक है एंड गवर्नेंस डे के रूप में भी इसे मनाया जाता है इट इज़ ऑलसो सेलिब्रेटेड एज गवर्नेंस डे गवर्नेंस डे राष्ट्रीय किसान दिवस नेशनल फार्मर्स डे ठीक है सो वॉट इज द राइट आंसर द राइट आंसर इज येस ए वाला ट्वेंटी थर्ड दिसंबर नौरीन का आंसर सही है रजत का आंसर सही है लेट्स मूव अड आओ बात करें एंड क्यों मनाया जाता है ये तो देख लें सो बर्थ एनिवर्सरी है किसकी फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉट इज हिज नेम चौधरी चरण सिंह एंड इज वट वॉज हिस्टेन ट्वेंटी एथ जुलाई नाइनटीन सेवेंटी नाइन टिल फोर्टींथ जनवरी नाइनटीन एटी टेन और भी पता होना चाहिए ठीक है एंड इन टू थाउजेंड एंड वन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर ट्वेंटी थर्ड डिसंबर एज नेशनल फार्मर्स डे विच इज ऑल्सो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रिचर्ड रॉबर्ट्स रॉजर्स नॉट रॉबर्ट्स ठीक है पास्ड अवे रिसेंटली ही वॉज अ डैश रिचर्ड रॉजस का हाल ही में निधन हो गया वह एक डैश थे ऑथर टीवी जर्नलिस्ट आर्किटेक्ट स्टेट्समैन आर्मी ऑफिसर ठीक है तो आपको मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है ठीक है तो जरा देखो वो क्या थे इनके बारे में जरा जल्दी से बात कर लेते हैं एंड हम अपना सेशन भी बीच बीच में लाइव कर लेंगे ठीक है चलिए देखते हैं व्हाट इज द राइट आंसर येस द राइट आंसर इज सी वाला आर्किटेक्ट ठीक है तो रिचर्ड रॉजर्स इज एन आर्किटेक्ट इनके बारे में बात कर लेते हैं ही पास्ट अवे रिसेंटली ठीक है आप इनके पिक्चर देख के इनको पहचान सकते हैं आगे बढ़ रहे हैं तो ही वॉज अ प्रिजगर प्राइज विनिंग आर्किटेक्ट प्रिज ब्रिटिश इटालियन आर्किटेक्ट हैं ठीक है हु पास्ट अवे रिसेंटली इन इज रेजिडेंस लंडन यू के इनको प्रिजगर प्राइज़ मिला था इस, इसे जो प्रिजगर प्राइज़ है इट इज़ ऑल्सो नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर कब मिला था इन द ईयर टू थाउजेंड एंड सेवन एंड ही रिसीव नाइट बैचलर इन नाइनटीन नाइनटी वन एंड वॉज नाइटेड बाई क्वीन एलबिट टू ठीक है ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जानते हैं ना ठीक है न्यूयॉर्क वाला द सेंटर प्रोम्पड यू इन पेरिस फ्रांस एंड द मिलेनियम डोम इन लंडन यू के इन सब के आर्किटेक्ट यही हैं तो ये नाम इंपॉर्टेंट नेम है पता होना चाहिए रिचर्ड रॉजर्स पासड अवे रिसेंटली ठीक है चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं नौरीन का भी आंसर आया था इस क्वेश्चन का ठीक है सो गाइज दिस वॉज द सेशन वैसे तो टेक्निकली लास्ट में हम आप लोगों को होमवर्क के क्वेश्चन देते हैं नेक्स्ट सेशन में हम आपको होमवर्क के क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे ठीक है तो प्रक्रिया ये होगी क्वेश्चन दूंगी आपको आंसर कमेंट सेक्शन में करना होगा तो जानकारी के लिए बता दूँ आप लोगों को क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई हैं आपको आठ बजे क्लासेस को ज्वाइन करना है आप सेशन को शेयर कर दीजिए लाइक like कर दीजिए सो दैट बाकी लोग भी इसका पार्ट बन सकते हैं काफ़ी लोग बाद में भी देखते हैं मुझे पता है सेशन को ठीक है तो अब हम लोग डेली आठ बजे मिलेंगे ठीक है हमारे इस सेशन में ओके okay, गाइस, तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में आई एम नॉट श्योर कल का क्लास होगा या नहीं बट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स हम क्लास रेगुलर लेंगे ठीक है हिमेंद्र सबसे एंड में चलो गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए पढ़ाई जारी रखिए और आ, आ, साल का अंत है बट पढ़ाई जारी रखिए ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर है तो आज ही आपको इन एडवांस मेरी क्रिसमस ठीक है हेमेंद्र <laughs> हमेशा छुप के रहते हैं ओके गाइज बाय